कर्नाटक हाई कोर्ट ने डीआरटी के आदेश पर 3 महीने तक रोक लगा दी है। आपको बताएं, हाई कोर्ट ने 3 बैंकों की मांग पर UBHL और किंगफिशर एयरलाइंस को 192 करोड़ के पेमेंट पर रोक लगा दी है। डीआरटी ने जारी किया था UBHL के खिलाफ एक डिमांड नोटिस। आपको बताएं, माल्या मामले में डीआरटी के आदेश पर रोक लग गई है। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस आदेश पर 3 महीने तक के लिए रोक लगा दी है। तीन बैंकों की दरअसल यह याचिका थी जिसको खारिज कर दिया गया है, जिसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक शामिल थे और यह याचिका 28 मार्च को दी गई थी। लेकिन फिलहाल जो अपडेट आ रहा है इस पूरी खबर पर वो यही कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने डीआरटी के इस आदेश पर 3 महीने तक के लिए रोक लगा दी है। अब बात करते हैं मेगा मर्जर डील की। इंश्योरेंस सेक्टर में मेगा डील का ऐलान हो गया है। मैक्स लाइफ का एचडीएफसी लाइफ में मर्जर होगा। डील का ऐलान करते हुए एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा कि मर्जर के लिए पहले ड्यू डिलीजेंस होगा। मर्जर के बाद नई कंपनी देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बनेगी। दीपक पारेख के मुताबिक मर्जर कंपनी लॉ के तहत होगा, इसके लिए ओपन ऑफर नहीं आएगा। फिलहाल मर्जर के लिए स्वॉप रेशो पर फैसला नहीं हुआ है और ये मर्जर शेयर होल्डर्स के हित में होगा। वहीं मैक्स ग्रुप के चेयरमैन अनिलजीत सिंह ने कहा कि फिलहाल उनके पास मर्जर के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं है। तो इंश्योरेंस सेक्टर का एक बड़ा मर्जर ये माना गया है। हम आपको बताएं, जी बिजनेस संवाददाता मनोज धारा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की दीपक पारेख और अनिलजीत सिंह से। पोटेंशियल सिनर्जीज फ्रॉम द मर्जर, आपने एक बहुत बड़ा मर्जर अनाउंस किया हुआ यहां से, वन ऑफ इट्स काइंड इन द प्राइवेट सेक्टर। इफ यू कैन जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दैट सर। वी हैव जस्ट सेड दैट वी विल टेक द नेक्स्ट 60 डेज। हम 60 डेज में ड्यू डिलीजेंस करेंगे, बातचीत करेंगे, स्वॉप रेशियो आएगा। स्वॉप रेशियो के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अप्रूव एंड देन वी विल गो विद फॉर द रेगुलेटरी अप्रूवल। सो टुडेज अनाउंसमेंट इज एन इंटेंशन to talk further. Yes. अनिलजीत सर, जैसे दीपक पारेख साहब बता भी रहे थे कि टुडेज अनाउंसमेंट इज एन इंटेंशन, आप फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर है सर, इज थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर, इसके पीछे का इंटेंशन क्या है और यहाँ से लेके गोइंग फॉरवर्ड व्हाट डू यू इंटेंड टू अचीव फ्रॉम दिस मर्जर? इंटेंशन इज वेरी क्लियर। वी हैव ऑलमोस्ट 10 बैंक अश्योरेंस पार्टनर्स, नोटवर्दी ऑन द लार्जेस्ट साइड आर एक्सिस एंड यस। सो इफ यू टेक आवर एक्सपीरियंस इन रनिंग बैंक अश्योरेंस एजेंसी, आवर product portfolio leaning on the sides of saving and protection, and you take the brand and you take HDFC Bank on the one side and you take their ULIP performance right on the other side, and the fact that now you have a Bombay based life insurance company and a Delhi based operation in life insurance company, aap khud hi andaza laga dijiye that if you put this together to isme 2 plus 2 equals to 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो आना चाहिए। I will definitely come back to you on this bank assurance question, but दीपक पारेख साहब, लेकिन जैसे HDFC लाइफ का IPO भी जैसे अनाउंसमेंट हो गई थी, उसके ऊपर इफ यू कैन जस्ट थ्रो सम लाइट क्लैरिटी एंड उसके ये जो मर्जर के बाद में IPO पर कैसा रुख रहना चाहिए? IPO की बात हमारी बोर्ड मीटिंग में हुई थी अबाउट 2 months ago. That time Max Life was not in the picture. Right. And we were very keen to get listed, both Standard Life and HDFC. 2 weeks ago, a proposal came to us to say, why don't we look at combining with Max Life? Perfect. And since Max Financial Services was listed, we started talking and we came to some agreement that yes, it's a good idea to merge, to combine. Sure. So once we combined, since Max Financial Services is listed, right, हमारा आईपीओ की जरूरत नहीं होती है। वी गेट एचडीएफसी लाइफ विल बी लिस्टेड। एचडीएफसी लाइफ के एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी का कहना है कि अगले 7 दिनों में डील के सभी पक्षों को फाइनल कर दिया जाएगा। उन्हीं से बातचीत की हमारे संवाददाता तरुण शर्मा ने।
सर एक मेगा मर्जर आज हुआ है एचडीएफसी और मैक्स लाइफ का, 60 दिन का आपने समय दिया, किस तरीके से पूरा रोल आउट होगा, क्या चैलेंजेस सामने रहेंगे एचडीएफसी के? पहली बात तो यह है कि हमने केवल अभी कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्सक्लूसिविटी और स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट अनाउंस किया है, तो अगले 60 दिनों में दोनों पार्टीज़ को साथ मिलके डील के क्या कंटूर होंगे, स्वैप रेशो क्या होगा, कैसे बाकी चीज़ें मैनेज होंगी, वो सब डिसाइड करना है। तो अभी काफ़ी काम बाकी है जहाँ हम आपके सामने आ सकें और कह सकें कि भाई हाँ अब इस तरह से मर्जर होगा। उसके बाद जो होपफुली अगर हम 60 दिन में कर पाएँ, उसके बाद फिर हमें काफ़ी रेगुलेटर्स के पास जाना है अप्रूवल के लिए। पहले तो हमारे रेगुलेटर आईडी है, उन्हीं के पास जाना है, उनसे हमें प्री अप्रूवल लेनी है, फिर सेबी, फिर सीसीआई, फिर हाई कोर्ट, बीच में काफ़ी शेयर होल्डर मीटिंग होनी है अप्रूवल देने के लिए। तो ये काफ़ी लंबा और कम्प्लेक्स प्रोसेस है, 3 कंपनी साथ में मर्ज होनी है, तो इसमें काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है और काफ़ी लोगों की मदद भी चाहिए। इसके साथ साथ जो कंसोलिडेशन की जो बात हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि इस इंडस्ट्री में एक बड़ा कंसोलिडेशन हम देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक दो बड़ी प्राइवेट कंपनीज मर्ज होने जा रही है? देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है, अगर दो कंपनी टुगेदर आ सकती थी, अगर जो बेस्ट कम्बिनेशन पॉसिबल था वो एचडीएफसी लाइफ और मैक्स लाइफ का पॉसिबल था, जो हमने आज हमने उसके लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। बाकी हाँ, ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं, आपने हमारे चेयरमैन मिस्टर पारे की बात सुनी भी होगी कि ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो बहुत छोटी हैं, जो वायबल नहीं हैं, और हो सकता है ऐसा समय आएगा कुछ सालों में जहाँ उनको लगेगा कि हम या तो निकल जाएँ, अपनी कंपनी को बेच दें और निकल जाएँ। कंपटीशन काफ़ी इंटेंस है, इसमें सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। तो यस, उस समय हो सकता है कंसोलिडेशन फेज चालू हो। जो एक दो ट्रांजैक्शन इंडस्ट्री में आए हैं उसमें क्योंकि शेयरहोल्डर्स में पूरा अलाइनमेंट नहीं था, वो कंसोलिडेट नहीं हो पाए हैं, लेकिन जब लॉसेस बढ़ते हैं तो फिर लोगों के जो इंसेंटिव है कंसोलिडेशन का वो भी बढ़ जाता है, तो कंसोलिडेशन होना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि इस मर्जर के बाद इंश्योरेंस सेक्टर की तस्वीर कितनी बदलेगी और एक आम कंज्यूमर को इसका कितना फायदा होगा। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर में दो निजी कंपनियों का मेगा मर्जर होने जा रहा है। हालांकि अभी तक डील की रकम का खुलासा नहीं हुआ है। मर्जर के बाद बनी कंपनी की वैल्यू करीब 50,000 करोड़ रुपए लगाई जा रही है, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से भी 54% बड़ी होगी। फिलहाल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की वैल्यू करीब 32,500 करोड़ रुपए है। वहीं देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी की वैल्यू 25,00,000 करोड़ है। दूसरे नंबर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आती है, इसका मार्केट शेयर 11.3% है। तीसरे नंबर पर 9.7% मार्केट शेयर के साथ एसबीआई लाइफ है। एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ यूके की कंपनी स्टैंडर्ड लाइफ के साथ हुआ जॉइंट वेंचर है। इसमें एचडीएफसी की कुल 61.63% हिस्सेदारी है, जबकि यूके की स्टैंडर्ड लाइफ की 35% हिस्सेदारी है। इस कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2015-2016 में 818 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, जबकि कंपनी के पास करीब 74,247 करोड़ रुपए की एसेट है, जबकि कुल प्रीमियम 16,313 करोड़ रुपए का है और कंपनी की नेटवर्थ 3,150 करोड़ रुपए है। वहीं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और जापान की मित्सुई सुमितो इंश्योरेंस का करार है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज मैक्स ग्रुप का हिस्सा है, इसमें मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 68% हिस्सा है। कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2015-2016 में कुल 439 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, जबकि कंपनी के पास 35,824 करोड़ रुपए एसेट हैं। कंपनी के पास कुल प्रीमियम 9,216 करोड़ रुपए का है, जबकि कंपनी की नेटवर्थ 2,024 करोड़ रुपए की है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर एचडीएफसी लाइफ और मैक्स लाइफ की डील हुई तो एक्सिस बैंक का क्या होगा? क्या एक्सिस बैंक का मैक्स लाइफ के साथ बैंक एश्योरेंस टूटेगा? एक्सिस बैंक की मैक्स लाइफ में करीब 6% हिस्सेदारी है। एचडीएफसी ग्रुप और एक्सिस ग्रुप की कंपनियां आपस में कॉम्पिटिटर हैं। सूत्रों के मुताबिक एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ का बैंक एश्योरेंस पार्टनर भी है। मैक्स लाइफ की 58% इंडिविजुअल पॉलिसी एक्सिस बैंक से बिकती है, जबकि एचडीएफसी लाइफ की 70% से ज्यादा इंडिविजुअल पॉलिसी एचडीएफसी बैंक से बिकती है। अब देखना होगा कि क्या इस मेगा मर्जर के बाद इंश्योरेंस सेक्टर की तस्वीर बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक्सिस बैंक ने कहा है कि उसके मैक्स लाइफ के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। एचडीएफसी लाइफ मैक्स लाइफ के मर्जर को सकारात्मक रूप में देखते हैं। बैंक एश्योरेंस पार्टनर के तौर पर एक्सिस बैंक देश में इंश्योरेंस की
पहुंच को बढ़ाना चाहती है। एक्सिस बैंक देश में लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जारी रखेगा। सरकारी बैंकों ने अपने मर्जर का प्लान वित्त मंत्रालय को सौंप दिया है। इसके पहले सरकार ने मर्जर का प्रस्ताव रखा था और बैंकों के लिए इस साल 25,000 करोड़ रुपए की पूंजी देने का वादा किया था। अब बैंकों ने अपना खुद का प्रस्ताव पेश करते हुए 35,000 करोड़ रुपए की मांग की है। ये बैंक होंगे SBI, PNB, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके पहले SBI में उसके एसोसिएट बैंकों के मर्जर को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। बैंकों के मर्जर के चलते कर्मचारियों की छटनी से सरकार ने हालांकि इंकार किया है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नौकरी कर रहे कर्मचारियों पर इसका असर हो सकता है। दरअसल बैंकों के बढ़ते NPS से छुटकारा पाने के लिए सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। सेबी बोर्ड ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स नियमों में बड़ी छूट का ऐलान किया है। सेबी बोर्ड ने रीट्स को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश की इजाजत दे दी। रीट्स को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में 20% निवेश की मंजूरी मिल गई है। जी बिजनेस ने आपको बताया था कि सेबी की बैठक में होने वाले ऐलान क्या कुछ हो सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश की इजाजत मिलने से रीट्स पर ज्यादा रिटर्न मिलने का रास्ता भी खुलेगा, साथ ही रुके हुए प्रोजेक्ट के लिए फंड की व्यवस्था हो पाएगी। सेबी बोर्ड की बैठक में भारत आने वाले फंड मैनेजर्स के भी नियम आसान किए गए हैं।